प्रदेश में आया एक नया संक्रमण, जहां पर आगामी आदेश तक बाजारों पर लगा प्रतिबंध। बढ़ते संक्रमण के कारण यहां जिला प्रशासन ने लगाई पाबंदी। दरअसल बिलासपुर जिले में लंपी वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बिलासपुर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार ने रतनपुर, तखतपुर सहित जिले के तमाम पशु बाजारों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं बता दें कि पशुओं की संक्रामक बीमारी लंपी स्किन डिजीज के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी आज किए गए हैं। वहीं जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान एवं गुजरात में पशुओं में संक्रामक बीमारी लंपी स्किन डिजीज फैल चुकी है, जिससे यहां से व्यापारियों के जरिए लाए गए बीमार पशुओं के संपर्क में आने पर जिला की अन्य पशु भी रोगग्रस्त हो सकते हैं, और इसके साथ ही बीमारी की रोकथाम हेतु जिले में पशुओं की परिवहन, पशु मेला, प्रदर्शनी, खरीदी बिक्री एवं अन्य राज्यों से पशुओं को चराने हेतु लाए जाने के लिए अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू किया गया है। तो अगर आपके घर में भी पशु है तो आप स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं के साथ ना रखें, क्योंकि इन दिनों लंपी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।